मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, श्री बीएल मेमोरियल एकेडमी में आपका स्वागत है। अपन जो चैप्टर रीड कर रहे थे व्यायाम सर्वदा पथ्य कक्षा 10th के लिए, अब आगे और अपन इसको इसी चैप्टर को रीड कर रहे हैं। आगे हैं 8th श्लोक। व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम सच सीते वसंते चेषाम पत्यतम हस्मृत। अब इसके जो श्लोक के अंदर संधि विच्छेदारका है, व्यायामो ही व्यायाम व्यायाम प्लस ही इसका अन्वय देरका है। ही स्निग्ध भोजिनाम बलिनाम व्यायाम सदा पथ्य स च सीते वसंते च तेषाम पथ्यतम स्मृत। इसका हिंदी अनुवाद है, निश्चित ही ये व्यायाम गृष्ट या स्निग्ध खाना खाने वाले बलशालियों का कल्याण करने वाला है। जो बलशाली होते हैं वो खाना खाते हैं, तो व्यायाम करने से उसके लिए कल्याण होता है, और वह व्यायाम सर्दी और वसंत में उन पहलवानों के लिए कल्याणकारक कहा गया है। वसंत ऋतु आती है जब पहलवानों के लिए ये बहुत ही कल्याणकारक है सर्दी के समय। आगे हैं, सर्वे स्मृतुषु वहरः पुंबिरातम हिते शिबिय बलस्य यार्देन कर्तव्यो व्यायामो हन्तयत्यो अन्यथा। अब जो है इसके अंदर संधि विच्छेद दे रखा है, सर्वेषु प्लस ऋतु प्लस अहर पुंभिः आत्महिते शिबिय बलस्य प्लस अर्धेन हन्ति प्लस अत प्लस अन्यता। इसका सीधा सरल अन्वय दे रखा है, अतः आत्महितेशिभिः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु अहर बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्य अन्यता हन्ति। इसका भावार्थ है, इसलिए खुद को भला चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सब ऋतुओं में हर रोज आदि ताकत से व्यायाम करना चाहिए। अपन की जितनी ताकत है उसके अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। तो ऋतुओं में हर रोज आदि ताकत से क्या है करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा वे व्यक्ति खत्म हो जाएगा। अगर अपन ज़्यादा भी व्यायाम कर लेते हैं तो अपने क्या हो जाता है, नुकसानदायक हो जाता है, ख़त्म भी हो सकता है। इसलिए जितनी अपनी ताकत है उस आदि ताकत के अनुसार ही अपन को व्यायाम करना चाहिए। आगे हैं, हृदय स्थान्त स्थो वायु रिद्धा वक्त्रम परपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तो इस्तद बलधारस्य लक्षणम। इसके अंदर संधि विच्छेद दे रखा है, हृदय स्थान स्थित प्लस वायु प्लस यदा कुर्वतः जंतोह प्लस तत् प्लस बलाधरस्य। इसका अन्वय है, यदा हृदय स्थान स्थित वायु वक्त्रम प्रपद्यते तद व्यायाम कुर्वतः जंतोह बलाधरस्य लक्षण। इसका भावार्थ, जब दिल में रहने वाली हवा मुंह में आ जाती है, जब दिल से हवा मुंह में आ जाती है तो समझना चाहिए कि व्यायाम करने वाले मनुष्य की आदि स्थिति है। जैसे ही दिल से हवा धड़कन से हृदय से मुंह के अंदर आ जाती है तो व्यायाम मनुष्य की आदि स्थिति हो जाती है, यही इसका लक्षण है। आगे है, वायु बल शरीराणि देश काल सदनानी च समक्ष कुर्याद व्यायाम मन्यथा रोग मापनुयात। इसके अंदर संधि विच्छेद देश प्रिय रखा है, देश काल प्लस असनानी व्यायाम प्लस अन्यथा रोगम प्लस आपनुयात। इसका सरल सीधा अन्वय दे रखा है, वयो बल शरीराणि देश काल सनानी च समीक्ष्य व्यायाम व्यायामम कुर्याद अन्यथा रोगम आपनुयात। इसका भावार्थ, व्यायाम करने से क्या होता है और
आयु बल शरीर देश काल और भोजन देखकर व्यायाम करना चाहिए। अपन को व्यायाम कब करना चाहिए, आयु होनी चाहिए उस हिसाब से, बल कितना बल है, कितना शरीर है, किस प्रकार देश है, किस प्रकार काल है, भोजन देखकर व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोग को प्राप्त करोगे। अन्यथा अपन इस प्रकार सही तरीके से नहीं करेंगे तो एक रोग अपन ग्रहण कर लेंगे। तो इस प्रकार अपना जो चैप्टर ये जो है पूरा हुआ, व्यायाम सर्वदा पथ्य वाला। आप जितने भी इसके पार्ट के श्लोक हैं आप अपनी नोटबुक में इसको फाइंड आउट करें और इसको जो है इसका हिंदी अनुवाद भी आप जानें समझें। थैंक यू, धन्यवाद।